तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैनवा के बारे में। कैनवा क्या है? कैनवा बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग का एप्लीकेशन है, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में और अपने iOS डिवाइस में। तो इसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि पोस्टर हो गया, फ्लायर हो गया, लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो आज हम बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम देख सकें कि कैनवा कैसे काम करता है, आप लोगों को मैं समझा सकूं बेसिक्स। उसके बाद एक दो वीडियो के बाद हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो फिलहाल के लिए बेसिक से शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइज, मैं अभी अपने स्मार्टफोन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी होम स्क्रीन है और यहाँ पे आपको मेरा कैनवा ऐप इंस्टॉल मिलेगा। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, तो पहले तो ये आपसे साइनअप मांगेगा। तो आप पहले तो अपने गूगल अकाउंट से या फिर अपने फेसबुक अकाउंट से इसको साइनअप कर लेना, ठीक है। साइनअप करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर दिखेगा कुछ ये, ऊपर इनके कुछ बैनर चलते रहते हैं, ठीक है। और नीचे आपको मिलेगी यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज, जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी है, पोस्टर है, बिजनेस कार्ड है, लेबल है, फ्लायर है, अनाउंसमेंट है, काफ़ी सारी कैटेगरी है। एक एक करके इन सब पे हम चलेंगे। और फिलहाल हम जाते हैं नॉर्मल कोई छोटा मोटा पोस्टर क्रिएट करते हैं। तो पोस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मतलब टच करता हूँ, तो पोस्टर के अंदर यहाँ पे सब कैटेगरी आ रही है पोस्टर की। तो जैसे कोरोना वायरस पोस्टर हो गया, इवेंट पोस्टर हो गया, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर हो गया, स्कूल पोस्टर, काफ़ी सारे पोस्टर यहाँ पे देख रहे हो मिल रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं म्यूज़िक पोस्टर पे। तो म्यूज़िक पोस्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे टेम्पलेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट हैं। तो हम कोई भी एक टेम्पलेट ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं। इसके अंदर जैसे आप कोई भी एक टेम्पलेट ओपन करोगे, तो आपसे पूछेगा एडिट करने के लिए, तो इस पर क्लिक करें आप। तो जैसे आप एडिट के ऊपर जाओगे, तो ये आपका एडिट मोड पर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैप समथिंग टू स्टार्ट एडिटिंग, तो मतलब हमें कोई भी टैप करना है और स्टार्ट करनी है अपनी एडिटिंग। तो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि इमेज है, कंटेंट है और कुछ शेप्स वगैरह है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इमेज चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इमेज चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज के ऊपर क्लिक टच करना है मतलब। तो यहाँ पर जो हमारी मेन इमेज है, इसके ऊपर मैं टच करता हूँ। तो जैसे आप टच करोगे, तो आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट हो चुका है। तो साइड में एक लाइन आ रही है और सर्कल आ रहे हैं, चारों एच पे एक सर्कल आ रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल। इसका मतलब कि हमारी इमेज अभी सिलेक्ट है। और नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कैमरे का है और एक गैलरी का है। तो आप कैमरे से कोई भी फोटो क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो गैलरी का मोड। तो गैलरी के बाद यहाँ पे देखो आ रहा है इमेज। इमेज का मतलब है कि इनकी स्टॉक इमेजेस वगैरह होती है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो हम स्टॉक इमेज यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब देखो कॉन्सेप्ट दिखा रहा है पीछे, तो हम भी कोई कॉन्सर्ट लिखते हैं, CONCERT, आई थिंक स्पेलिंग ठीक होगी मेरी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आ चुके हैं कॉन्सर्ट से रिलेटेड, और हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो लेट सपोज ये वाली लेते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये हमने इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अब अगर आपको इमेज को जूम करना है, तो आप क्या करोगे, तो जब भी आपने एक बार सेलेक्ट किया था अपनी इमेज को, तो दोबारा टच करो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आता, सिर्फ एक ऊपर ऑप्शन आता क्रॉप का। इसका मतलब आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। तो आप अपने फिंगर से ऐसे जूम करके और इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इतना जूम कर लिया, इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ऊपर टिक और ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब इमेज के अंदर आपको और कोई ऑप्शन देखने को अभी तो नहीं मिलता, बस यहाँ पे एक लास्ट कलर का ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज हट जाएगी और यहाँ पे कलरफिल हो जाएगा, ठीक है। तो बैक करते हैं फिलहाल। तो हमने इमेज चेंज कर ली, ऐसे हम ऊपर वाली इमेज भी चेंज कर लेते हैं। तो अभी हमने इमेज चेंज कर ली, अब हम कंटेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो Feb 25, 2019 लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे हमारे आ चुके हैं, जैसे कि ये फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट दिखा रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट का साइज, देन यहाँ पे कलर, उसके बाद नीचे कुछ अलाइनमेंट, बोल्ड, इटैलिक और ये डबल ए का मतलब ये है कि आप इसको, अगर आपका टाइटल केस है तो आप इसको अपर केस कर सकते हो। देन स्पेसिंग को, काफ़ी अच्छी फीचर है, ठीक है, काफ़ी काम करने वाली फीचर है। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं अपना कंटेंट। तो मैंने फैब के ऊपर एक और बार टच किया, तो यहाँ पे हमारे देख सकते हो कि फैब हाईलाइट हो गया, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, अप्रैल, तो APR हम कर लेते हैं। देन 25 को चेंज कर लेते हैं हम 19 से।
तो वापस 25 पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा हाईलाइट हो गया, मतलब 19 हम इसको चेंज कर देते हैं, 2019 को करेंगे 2020। तो ट्राई करते हैं हम फ़ॉन्ट चेंज करने की। तो यहाँ पे मैं कोई भी फ़ॉन्ट ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, और जिसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्राउन आ रहा है, इसका मतलब ये प्रीमियम का है। आप प्रीमियम फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, मगर आपको प्रीमियम अकाउंट भी अपडेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम यूज़ कर लेते हैं, मैं अपने फेवरेट यूज़ करता हूँ ओपन सेंस, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। ओके, इसमें आ रहा है, तो ओपन सेंस एक्स्ट्रा बोल्ड हम इसको टिक कर लेते हैं। तो ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ऐसे आप काफ़ी सारे फ़ॉन्ट इसमें पहले से अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या ये प्रीमियम लेना ठीक होगा नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम करते हैं इटैलिक, इटैलिक का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो कि वही इटैलिक हो रहा है जिस पे हमने अभी सेलेक्ट कर रखा है, ओवरऑल सेलेक्ट है, और उसके अंदर भी सिर्फ 2020 सेलेक्ट है। तो हम 19 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक हल्की सी वाइट लाइन 19 के चारों तरफ आ चुकी है, इसका मतलब अभी 19 सेलेक्ट है। तो हमें 19 का अलग से फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो वापस से इसका हमने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, डॉट वाला भी, ठीक है, बट फिलहाल कोई सिंपल फ़ॉन्ट रखते हैं। ओके, अब फ़ॉन्ट को हमने चेंज तो कर लिया, अब इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे 19 का, थोड़ा सा हम यूज़ कर लेते हैं ब्लू टाइप, तो हम यहाँ पे ब्लू भी कलर कर सकते हैं, पर बेकार लग रहा है तो वापस से हम डिफ़ॉल्ट कलर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है, हमने देख लिया कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है स्पेसिंग का, तो स्पेसिंग में क्या होता है कि आप लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट का भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे देखो कि अप्रैल है, 19 है, 2020 है, तो हम क्या करेंगे, अप्रैल को सेलेक्ट कर लेंगे, देन स्पेसिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग आता है, तो ये लेटर्स के जो बीच का स्पेसिंग है उसको चेंज करता है, ठीक है। देन लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, अभी ये तीनों जो टेक्स्ट है वो अलग अलग है, अगर यहाँ पे तीनों एक ही लाइन में होते और एंथम बीच में हमारा होता तो हम बीच के स्पेसिंग लाइन को भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने इमेज चेंज कर लिया, अपना कंटेंट चेंज कर लिया, नीचे वाले कंटेंट को मैं सेम रखता हूँ क्योंकि हमने देख लिया कि कैसे कंटेंट चेंज होता है, काफ़ी सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है सर्कल सर्कल, हम इनको भी कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो चुका है, देन यहाँ पे नीचे कलर का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ रेड कलर देने की कोशिश करता हूँ, तो हमने रेड कलर दे दिया है, देन इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सेम रेड कलर हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ देखो, आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट, आप बैकग्राउंड पे क्लिक करें, कोई भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करें जो बैकग्राउंड हो, तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम कलर पहले तो चेंज करेंगे, कोई बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, जैसे कि हमने ये ग्रे कर लिया, देन येल्लो कर लिया, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज कैसे लगाएंगे, उसका तरीका ये है कि आप इमेज के ऊपर जाएं, इमेज के ऊपर जाके कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी बैकग्राउंड से मैच करती हो, और लेट्स सपोज कि हम ये वाली इमेज लेते हैं, काफ़ी डार्क है, नहीं ये वाली चलेगी। ओके, ये वाली इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो कंटेंट है वो छुप गया। अभी हमारा इमेज सेलेक्ट है, देन ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट आते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करो, उसके बगल में आता है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे हम अपनी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, राइट। अब इमेज तो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, मगर यहाँ पे कुछ सही से दिख नहीं रहा वाइट के ऊपर, तो हम इसको ब्लैक करेंगे। तो जो हमारा कलर था, हम कलर को चेंज करके करेंगे ब्लैक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कलर तो ब्लैक हो गया, हमारी इमेज हट गई है, और जो हमारा कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इससे अच्छा हम एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं, इसका हम इसको वापस से डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, तब यहाँ पे वापस से ब्लैंक हमारा जो बैकग्राउंड है उस पर सिलेक्ट करते हैं, इमेज पे जाते हैं, देन वापस से इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाली, उसके बाद यही थी हमारी इमेज, आई थिंक ये थी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर का, लास्ट में फ़िल्टर पे जाएंगे, और यहाँ पे आप काफ़ी सारे फ़िल्टर दे सकते हो अपनी इमेज के। तो यहाँ पे इमेज के जो फ़िल्टर है, मोड है, वो चेंज कर देगा। देन नीचे आता है एडवांस फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर पे टच करें, और यहाँ पे आप और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, कलर, यहाँ पे आप कलराइज कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आता है ब्लर का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा ब्लर कर लीजिए। तो जैसे आप ब्लर करोगे तो आपकी इमेज आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे कंटेंट का कलर चेंज करके कर सकते हो वाइट। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। बाकी एक तरीका और है, वो मैं अगली वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। अब इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो ऑप्शन होता है
इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे, सेव एज इमेज, सेव एज, सेव विद ट्रांसपेरेंसी। ये ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। देन यहाँ पे आता है फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं हम यहाँ पे, इस पर शेयर कर सकते हैं काफ़ी सारे सोशल ऐप में, मगर हम यहाँ पे करेंगे सेव एज इमेज, तो ये हमारी स्टोरेज में सेव हो जाएगी अपनी मेमोरी कार्ड में या फिर अपने फ़ोन स्टोरेज में। तो आप ऐसे ही बेसिक बेसिक अपने लिए पोस्टर या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल तरीका है और काफ़ी इजी भी है मेरे ख्याल से, अगर देखा जाओ तो कोई भी बंदा क्रिएट कर सकता है। जो बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग की लाइन में नहीं है वो भी यहाँ पे आके अपने लिए या फिर किसी क्लाइंट के लिए एक पोस्टर डिज़ाइन कर सकता है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी आज की। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।